हेलो बच्चों, आज कर रहे हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसमें डायरेक्शन बतानी है इंड्यूस करंट की। देखो, ये नॉर्थ साउथ पोल इस मैग्नेट के पास जा रहा है, तो जब साउथ पोल इस मैग्नेट के पास जा रहा है तो यहाँ पे साउथ पोलरिटी बनेगी, तो करंट इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉक वाइज। अब ये देखो, ये साउथ पोल इसमें जा रहा है तो पास इसमें आ गई आपके पास क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ये दूर जा रहा है अट्रैक्शन के कारण, इसमें भी क्या होगी आपके पास क्लॉक वाइज। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें थोड़ा सा देखने का फ़र्क होगा, वो आपको ध्यान से देखना है। जब इस फेस से देखोगे तो ये आपका क्या से जा रहा है, क्लॉक वाइज है, तो इधर साउथ और इधर आपका नॉर्थ, तो जब इधर नॉर्थ है तो आपका इधर भी नॉर्थ बनेगा, तो नॉर्थ बनेगा तो इसमें आपके पास क्या आएगी, इस फेस से एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन आएगी। क्या आएगी, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन आएगी, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब इसमें भी यही देखने का चक्कर है आपका कि जो आपका रियोस्टेट को चेंज करेंगे तो इधर साइड से जब आप देखोगे तो ये नॉर्थ पोल है और इधर साइड से देखोगे आप साउथ पोल है, तो जब आप रेजिस्टेंस को डिक्रीज करोगे तो ये इधर नॉर्थ तो इधर साउथ, तो इधर वाले फेस से देखोगे तो इधर वाले फेस से इसमें आएगी आपके पास क्लॉक वाइज डायरेक्शन। क्या आएगी आपकी, क्लॉक वाइज डायरेक्शन, तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन आ गई आपके पास जेड वाई एक्स। ठीक है, जब आप लेफ्ट लूप से देखोगे, इधर साइड देखोगे, एक मिनट, सॉरी, अच्छा ये देखो, ये आपके पास एंटी क्लॉक वाइज है। कैसी है, एंटी क्लॉक वाइज है, तो ये नॉर्थ पोल और इधर आपका साउथ पोल है। ठीक है, तो अब हम इंड्यूस करंट की जो लूप है हम आप लेफ्ट लूप में देखेंगे, तो लेफ्ट लूप के फ्रंट से देखना है, तो फ्रंट से देखो, बिल्कुल यहाँ से फ्रंट है आपका, तो यहाँ जब फ्रंट है आपका तो इसमें आपके पास फ्रंट से जब ये नॉर्थ पोल है और टैपिंग की को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं रियोस्टेट को, रियोस्टेट को चेंज करने पर मतलब आप रियोस्टेट को मतलब रेजिस्टेंस को कम कर रहे हो तो करंट क्या होगा आपका, बढ़ेगा। जब करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपके पास, यहाँ पर फ्लक्स बढ़ने पर करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉक वाइज, तो एंटी क्लॉक वाइज में आएगा आपके पास जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट में, अभी देखो यहाँ पे टैपिंग की को रिलीज़ किया गया है, जब टैपिंग की को रिलीज़ किया गया है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज, तो यहाँ पे साउथ पोल, साउथ पोल के कारण यहाँ पे उस डिक्रीजिंग के कारण साउथ पोल बनेगा। ठीक है, साउथ पोल बनेगा, तो यहाँ पे जब ये साउथ पोल है आपका, क्या है, साउथ पोल है, तो साउथ पोल यहाँ से कैसे बनाएगा करंट की डायरेक्शन, ये ऐसे जाएगा तो ये इसी के सेम में आ जाएगा आपका। ठीक है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। ठीक है, एक्स टू वाई। ठीक, अब ये देखो आपका ये एफ एफ, तो जो ये स्ट्रेट कंडक्टर होता है, स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, तो लूप भी ऐसे ही है, दोनों कैसे हो जाएंगे पैरेलल में, तो यहाँ पे नो इंड्यूस्ड करंट, क्या आ जाएगा, नो इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, अब है आपका सेकंड, सेकंड में देखिए, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो इनसाइड है तो आप अपना रूल लगाइए, राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल लगाने पर अब ये देखो इस लूप के अंदर इनवर्ड है, तो इनवर्ड जब आप लगाओगे तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास, क्लॉकवाइज होगी, क्या होगी, क्लॉकवाइज। बट ये इंक्रीजिंग का केस है तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जाएगी, क्लॉकवाइज के अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें क्या आएगी आपकी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब ये देखो इसमें रूल लगाओ अपना, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, राइट हैंड रूल लगाया, तो इनसाइड के लिए करंट की डायरेक्शन किधर आ गई आपके पास, आउट, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आउटवर्ड, और करंट की डायरेक्शन क्या है हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट की डायरेक्शन हमारे पास, करंट की डायरेक्शन किधर है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो इंड्यूस्ड की क्या होगी,
एरिया डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस की क्या होगी, उसी के सेम डायरेक्शन में होगी। तो सेम डायरेक्शन का मतलब इसमें कैसी होगी आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, क्लियर। क्योंकि डिक्रीजिंग के केस में हमें उसी के पाथ में चलना होता है, उसी की डायरेक्शन में। यदि वो क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज रहेगा, यदि आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। थैंक यू।